हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली DNS बैंक का रिजल्ट आउट हो चुका है। असिस्टेंट मैनेजर का इसका वैकेंसी आया हुआ था, 2 जुलाई को पेपर था, मैंने भी इसका पेपर दिया था। तो आज फाइनली इसका ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें जो है सारे का सारे मैंने PDF शेयर करके रखा हुआ है इसके फाइनल रिजल्ट का, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से ज्वाइन करिएगा। बात करते हैं मेरे रिजल्ट के बारे में। तो मैंने जो है यहाँ पे 181 अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 200, और फिर भी मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसका रीज़न सिंपल सा है कि GA में मेरे जो है मार्क्स नहीं आए होंगे, GA में मेरे मार्क्स कट गए होंगे बहुत सारे, क्योंकि 50% एक्यूरेसी थी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि काफ़ी उम्मीद थी मुझे इससे कि मेरा सिलेक्शन होगा इसमें, बट अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बहुत बुरा लगा। अब 3-4 बार मैंने देखा अपना नाम, बट नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखा तो नहीं दिखा, और कुछ लिखा होगा नसीब में अच्छा खासा, तो इसलिए नहीं हुआ। बाकी कुछ लोग खुश है कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है, अच्छी बात है भाई, क्योंकि आप मेरे लिए अच्छा सोचते हो, सोचे होंगे कि इसका अच्छी जगह होगा सिलेक्शन, इसलिए आप खुश हो कि इसमें नहीं हुआ करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द आपको ऑफ़र लेटर मिलने वाला है कि फाइनल सिलेक्शन हो गया करके, तो उसका वेट करिए, उसका वीडियो मैं ज़रूर से लेके आऊँगा। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओनली 31 वैकेंसीज थी, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक ही बैंक एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप सिलेक्ट नहीं हुए तो कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उस पर फोकस करिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। सबसे बढ़िया वैकेंसीज होती है IBPS की, RRB, IBPS, PO, क्लर्क, इन सब की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, RRB PO बनेंगे हम, उस पर फोकस करो और प्रिपरेशन करने में लग जाओ। ठीक है, एंड जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। कल वीडियो लेके आऊँगा मैं इंटरव्यू के लिए कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक एंड नेशनल हाउसिंग बैंक के इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से इंटरव्यू होते हैं और आप किस तरीके से अच्छे खासे स्कोर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।